হ্যালো ভিউয়ার্স, ভিডিও বয় ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। তো কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সকলে ভালো আছেন, আর আপনাদের সকলের দোয়ায় আমি অনেক ভালো আছি। চলে আসছি নতুন একটা রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে। আজকের রিয়াকশন ভিডিওর টাইটেল এবং থাম্বনেইল দেখে আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন কী বিষয় হবে। তারপর বলি, জুগার্ড আপনারা দেখেনি, জুগার্ড আর এটা ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান দুটো মিলে এই ভিডিওতে আছে। তো চলেন দেখা যাক কতটা ফানি হয়ে থাকে, ফানি হতে পারে। সো ভিডিওটা দেখি, আগে দেখার পরে বলতে পারবো। তো চলো আগে দেখি, তারপর আরো কথা হবে ভিডিও সম্পর্কে। তো কাউন্ট ডাউন করে নিই, থ্রি টু ওয়ান এন্ড গো। इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की जिंदगियों में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट या फैक्टर है जिसे कहते हैं जुगाड़। हम लोग बला के जुगाड़ी हैं। बड़े से बड़े मसले का हम लोग कोई ऐसा जुगाड़ या हल निकाल लेते हैं जो कि टाइम सेविंग भी होता है और इफेक्टिव भी। ये जुगाड़ कभी कभार फनी भी हो जाती है, लेकिन सो व्हाट, हमारा काम तो चल रहा है ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बनने वाली ऐसी ही जुगाड़ों के बारे में बताऊंगा जो कि ना सिर्फ आपको हैरान कर देगी बल्कि कुछ जुगाड़ तो आपको बहुत ज्यादा हंसाने वाली है। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दर्शन नाम के 14 साल के बच्चे से, जिसने अपनी माँ के लिए एक इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की वॉशिंग मशीन इजाद कर ली। इस वॉशिंग मशीन में तीन चीजों का इस्तेमाल किया गया, एक साइकिल, एक डब्बा और एक लोहे का जाल। जाल को डब्बे के अंदर एडजस्ट किया जाता है और साइकिल के पैडल मार कर इस डब्बे को गोल गोल रोटेट किया जाता है। डब्बे के अंदर मौजूद जाल में कपड़ों को डाला जाता है और डब्बे के गोल गोल तेजी के साथ घूमने की वजह से ये तमाम गंदे कपड़े खुद ब खुद साफ होते चले जाते हैं। इस छोटे से बच्चे ने ये वॉशिंग मशीन सिर्फ इस वजह से बनाई ताकि इसकी माँ की लोगों के घरों में जाकर कपड़े धोने से जान छूट जाए। अब ये तो है इस छोटे से बच्चे की अपनी माँ से मोहब्बत का सबूत। लेकिन दोस्तों, आप लोग अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप में से अक्सर लोग बाजार मुर्गी खरीदने तो जरूर गए होंगे। मुर्गी खरीदने के बाद आप लोगों ने ये बात नोटिस की होगी के दुकान अरे बिफोर पकाओ का जो पंख हुनर है वे काफी ज्यादा देख रहा है उसको। इन परों को फौरन से उतारने के लिए भी एक नई देसी जुगाड़ बना ली गई है। ये देसी जुगाड़, ये मशीन है जो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। एक ड्रम के अंदर काफी सारे पाइप्स को लगा दिया गया है और इन पाइप्स को रोटेट करता है साइकिल का पैडल। आप तेजी से पैडल मारते जाते हैं, डब्बे के अंदर मुर्गी रोटेट करती जाती है, पर मुर्गी के परों को अपनी तरफ खींचते चले जाते हैं। ये मशीन एक मिनट के अंदर पूरी मुर्गी के परों को साफ करके उधर मारती है। अब इस देसी जुगाड़ के लिए वीडियो के ऊपर एक लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए यार, सब्सक्राइब कीजिए साथ साथ हमारा चैनल को भी। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि इनका जो ओरिजिनल वीडियो जाता है जो कि इन पुतलों को लगाने का मकसद ये होता है कि परिंदे फसलों या खेतों की तरफ ना आए। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब परिंदों को पता चल गया है कि ये सब नाटक है, लिहाजा वो इन पुतलों से नहीं डरते। इस मसले की भी देसी जुगाड़ आपकी आंखों के सामने है। आपको एक पंखा नजर आएगा, उस पंखे के पीछे लगी हुई एक लकड़ी नजर आएगी और ये लकड़ी जाकर लगती है स्टील की एक प्लेट को। पंखा जब तेजी के साथ घूमता है तो ये लकड़ी जाकर बार बार स्टील की प्लेट को लगती है, जिससे इंतहाई ऊंची किस्म की आवाज पैदा होती है। ये आवाज ऐसी खौफनाक होती है कि परिंदे तो एक तरफ, इंसान खुद अपने खेत में जाने से है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं करने लगा। आपको लगेगा कि शायद ये किसी मोटर या किसी जनरेटर से ऑपरेट किया जा रहा है। गलत, इस ट्यूबवेल को ऑपरेट किया जा रहा है एक मोटरसाइकिल से। ये है खेतों को किसी भी टाइम पानी देने की आसान तरीन देसी जुगाड़। बाइक से ट्यूबवेल को ऑपरेट किया जा रहा था, यहाँ पर देखिए बाइक की मदद से चारे को कितनी तेजी के साथ, कितनी आसानी के साथ काटा जा रहा है। बाइक को रेस देंगे तो आपका ब्लेड ज्यादा तेजी के साथ चलेगा, रिजल्ट आपका चारा जल्दी से कटता चला जाएगा। अगर आप ब्लेड की स्पीड कम रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने मोटर बाइक की रेस को कम कर दें। मजे की बात यह है कि सेम यही काम कुछ लोग साइकिल से भी ले लेते हैं, क्योंकि सिंपली मैकेनिक्स तो वही है ना। एक तरफ मोटर है तो दूसरी तरफ पैर। एक जमाना था जब दरख्तों के ऊपर चढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल था, लोग दरख्तों से नीचे भी गिर जाते थे जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा चोटें भी लग जाती थी। इस मसले की देसी जुगाड़ निकाली एक बाप बेटे ने। इस बाप
बाप बेटे की जोड़ी ने जो मशीन तैयार की है उससे किसी भी दरख्त के ऊपर चढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। इस मशीन के अंदर ब्रेक भी है, अगर आप दरख्त के ऊपर किसी जगह पर रुकना चाहते हैं तो आराम से ब्रेक लगा के एक साथ कलेक्ट किया जा रहा है या काटा जा रहा है। फिर उसके बाद ये जुगाड़ देखिए जिससे आप जमीन के ऊपर बिखरे हुए अनाज को कितने आराम से उठाकर बोरी में डाल सकते हैं। इस जुगाड़ की वजह से ना ज्यादा एफर्ट लगती है ना ज्यादा टाइम, फौरन से अनाज उठाओ वहीं पर बोरी में डालो और काम खत्म। अच्छा अब जरा ये बताओ कि अगर आप लोगों को कपड़े इस्त्री करने हैं तो आप लोग किस चीज का इस्तेमाल करोगे? आयरन इस्त्री? गलत, गरीब लोग कॉमन सोच, प्रेशर कुकर इस्तेमाल करके देखो। ये देखो इस लड़की को प्रेशर कुकर बहुत बड़े खेत के अंदर अकेला पूरे खेत में कीड़े मारने वाली दवा का स्प्रे कर रहा है। इस जुगाड़ में बलून्स के साथ पाइप्स को एडजस्ट किया गया है। इन पाइप्स में है एग्जिट पॉइंट्स, स्प्रे इन्हीं एग्जिट पॉइंट्स से निकलता है। इस शख्स ने सिर्फ इन बलून्स को कंट्रोल में करना है, स्प्रे करने का सारा काम ये बलून्स खुद ही किए जा रहे हैं। अब ये देखो एक और जुगाड़ टाइम मैनेजमेंट के लिए, पूरे खेत को पानी दिया जा रहा है और वो भी एक पंखे की मदद से। अब कौन साला पाइप को बार बार इधर उधर करके अपना बागी दिखाए? ये है ना देसी जुगाड़। फैन के ऊपर एडजस्ट करो, फैन की रोटेशन ऑन कर दो, पानी खोल दो और उसके बाद साइड पर बैठ कर सिगरेट लगा लो। बिना थके आप अपने खेत को, अपने लॉन को पानी देने में कामयाब। जिन लोगों का अपना घर बनाने का प्रोग्राम है वो तो भैया ये वीडियो गौर से देख लो। ईंटों को ऊपर वाली मंजिल तक कैसे लेकर जाना है उसका इससे ज्यादा आसान हल और कोई नहीं हो सकता। इसको कहते हैं जरूरत इजाद की माँ होती है। मजदूरों का भी टाइम बचाओ, उनको थकने से भी बचाओ, अपना भी दर्द सर कम कर लो और ईंटें भी ऊपर फौरन से पहुँचा दो। अब इससे ज्यादा और फायदे आपको ये देसी जुगाड़ क्या दे? भुट्टा या छल्ली तो आप सब लोगों ने खाई होगी, आप लोगों को खाना पसंद भी होगा, लेकिन आप ये भी जानते हो कि भुट्टे को छीलना बड़े अजाब का काम है। लेकिन इसकी भी एक नहीं कई देसी जुगाड़े इजाद हो चुकी हैं, एक नहीं बल्कि कई ऐसी देसी मशीन इजाद की जा चुकी हैं जो कि किसी छल्ली या भुट्टे को सेकंड्स के अंदर छील देती हैं। कुछ महागुरु तो इस काम के लिए ड्रिल मशीन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी अलग ही लेवल की फनकारी है। अब जैसे भुट्टा या छल्ली है उसी तरह आपको पता है कि कोकोनट या नारियल को भी खाने का अपना एक मजा है, लेकिन उसको भी छीलना किसी अजाब से कम नहीं। नारियल को छीलने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन इसकी देसी जुगाड़ है पूरे के पूरे नारियल को विदिन फ्यू सेकंड्स ये मशीन छील कर उधर मारती है। मजे की बात यह है कि आपका नारियल ये मशीन खराब भी नहीं होने देती, तो एफिशिएंसी इस मशीन की भी 100% है भाई। अब ये लास्ट में मिलो कुलदीप से, ये लोंडा बचपन में पायलट बनना चाहता था, बाप के पास इतना पैसा था नहीं कि वो इसको इतनी आला किस्म की एजुकेशन दिला सकता। कुलदीप का बनाया हुआ यह छोटा सा जहाज बना 2 लाख रुपए में। इस जहाज का इंजन 1 लीटर में 12 किलोमीटर तक उड़ सकता है। जहाज थोड़ा छोटा है, लाइट वेट का है, लिहाजा ये ज्यादा ऊंचाई के ऊपर ज्यादा हाइट के ऊपर तो ट्रेवल या फ्लाई नहीं कर सकता। लेकिन भैया जी कुलदीप भाई तो अपना ख्वाब पूरा कर गए, वो पायलट बन गए। और कुलदीप की इस मजेदार जुगाड़ के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की वीडियो में मैंने आपको पाकिस्तान इंडिया की जितनी भी देसी जुगाड़े दिखाई, आपको कौन सी जुगाड़ सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बने हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल अवश्य अपना सब्सक्राइब कर दें और আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাথে সাথে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকের ভিডিওটা অনেক ফানি ছিল আর অনেক ইন্টারেস্টিংও ছিল, কারণ জুগাড়গুলো অনেক ইন্টারেস্টিং হয়ে থাকে এবং ফানি হয়। তো অনেক ফানিও ছিল এবং ইন্টারেস্টিংও ছিল। কিছু কিছু জুগাড় দেখছি মানে দেশি ডিজাইনের তৈরি সব, তো কিছু কিছু স্টাইল তো আমি আগে থেকে দেখছিলাম আর কিছু কিছু আজকে দেখলাম, খুবই মজাদার ছিল আর অনেক বুদ্ধিমান বলতে গেলে চলে। যে ওই যে ইটগুলো যে দুই জ্বালায় তুললো এটা কিন্তু একটা অস্থির একটা মানে বুদ্ধির খেল দেখাইছে। আর ওই যে পাংখা দিয়ে যে পাখি তাড়ানো ওটাও কিন্তু অনেক সুন্দর। আর ভুট্টা
ভুট্টা যে ছিলতেছে এটা কিন্তু অনেক সুন্দর ছিল। তো টোটাল অনেক সুন্দরই ছিল জুগাড়টা, তো অনেক ভালো লাগলো আমার কাছে। আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিবেন, আর সাথে সাথে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, সাপোর্ট করবেন। সাপোর্ট না করলে আসলে ইচ্ছা হয় না ভিডিও তৈরি করার, আপনারা দেখতে চান না, এই জন্য অনেক সময় ইচ্ছা হয় না। তো অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাপোর্ট করবেন, সব সময় দেখবেন ভিডিওগুলো এবং কমেন্ট করবেন আপনাদের মতামত। এবং আপনারা লিখতে পারেন কমেন্টে কি ধরনের ভিডিওর উপর আমি রিয়েকশন দেবো, সেটা আপনারা বলতে পারেন। তো আজকে ভিডিও এখানে শেষ করতেছি, আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগছে। আর অবশ্যই অবশ্যই আপনারা ভালো থাকবেন, ভালো লাগবেন আপনাদের চারপাশ, আপনাদের চারপাশ ভালো থাকলে আপনারা ভালো থাকবেন। তো কেয়া বাত, বাই বাই।